हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पल्लवी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं लाल मिर्च का अचार, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से, ताकि हर कोई इसे घर पे बना सके। चाहे बैचलर्स हो या बिगनर्स, उन्हें परेशानी ना हो, और बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ जो हर किसी के किचन में अवेलेबल हो। साथ में बताऊँगी कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे आपके अचार सालों साल ख़राब भी नहीं होंगे। तो आइए चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई इंग्रेडिएंट या स्टेप मिस ना हो। तो आइए चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 250 ग्राम लाल मिर्च लिया है। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद इसे पोंछ के सुखा लिया है। तो पहला टिप ये है कि जब भी आप अचार बनाएं तो मिर्च को इस तरह से धूप में आधे घंटे के लिए कम से कम ज़रूर सुखाएं। इससे आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। जब अच्छे से सूख जाए, इसके बाद हम मिर्च को कट करेंगे। कट आप अपनी मर्जी का शेप दे सकते हैं, मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। स्टफिंग करने में कई लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, काफ़ी समय लगता है इसमें, तो मैं बिना स्टफ़ किए इस तरह से स्टफ वाली मिर्च का अचार बता रही हूँ आपको। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से है, ताकि हर कोई इसे बना सके। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी का शेप दे सकते हैं, मोटा या पतला। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो बचे हुए डंठल हैं, इसका भी मैं आपको बताऊंगी। इसे इस तरह से आप कट करके जो साइड वाले पोर्शंस हैं उसे आप इस तरह से कट कर लें। आप कोई किसी भी रेसिपी में इसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसी अचार में डाल सकते हैं, या किसी और अचार में भी आप इसे डाल सकते हैं। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैंने सारी मिर्च को इस तरह से कट कर लिया है। तो दूसरा टिप ये है कि कट करने के बाद भी आप इसे आधे घंटे के लिए कड़ी धूप में ज़रूर रखें। इससे आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो मसाले में मैंने आधी छोटी कटोरी से सरसों लिया है, 2 चम्मच मैंने राई ली है, काली सरसों, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है अचार में। 2 चम्मच मैंने अजवाइन लिया है, 2 चम्मच मैंने मेथी दाना लिया है, और 2 चम्मच मैंने भर के सौंफ लिया है, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और साथ में मैंने 2 चम्मच कलौंजी ली है। तो अब चलते हैं इन्हें ड्राई रोस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले तवा को अच्छे से प्री हीट कर लें। एक पैन लिया है मैंने, पैन को प्री हीट करने के बाद इसमें पहले सरसों डाल देंगे, पीली सरसों, काली सरसों और मेथी दाना, सौंफ। आप चाहें तो मसालों को अलग से भी रोस्ट कर सकते हैं। अजवाइन डाल देंगे, इसमें हमें कलौंजी नहीं डालना है, कलौंजी की हमें ना तो ग्राइंड करेंगे और ना ही ड्राई रोस्ट। तो अब इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं करें, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। ड्राई रोस्ट आपको तब तक करना है जब तक कि इसमें से चटकने की आवाज़ ना आ जाए। बहुत ही सिंपल और बेसिक मसाले हैं जो हर किसी के किचन में ये अवेलेबल होते हैं, और हर मसाले का अपना एक फ्लेवर होता है, तो इसे ज़रूर डालें। अचार तो हर किसी के घर में बनता है, बस मसालों का ही फ़र्क होता है। तो एक बार इस तरह से बना के ज़रूर ट्राई करें। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। तो अब अच्छे से रोस्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है और अच्छे से खुशबू भी आ रही है, और धीरे धीरे ये चटक भी रहा है। तो अब इसे ठंडा करके हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो अब ये ठंडा हो चुका है, तो मैंने ग्राइंडर जार में इसे डाल लिया है और इस तरह से पाउडर बना लिया है। तो इसके बाद मैं तेल यूज़ करूँगी अचार में डालने के लिए। तेल हम इसमें कच्चा नहीं डालेंगे, गर्म करके यूज़ करते हैं। तो करीब मैंने 2 कप इसमें ऑयल ऐड किया है। ऑयल को पहले अच्छे से गर्म कर देंगे, फिर जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम डालेंगे। तो तीसरी टिप ये है कि जब भी आप ऑयल यूज़ करें, मस्टर्ड ऑयल यूज़ ही करें, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और गर्म करने के बाद जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद ही इस अचार में आप डालें इसे। तो ये गर्म हो चुका है, अब मैं इसे ठंडा होने देती हूँ। इधर मैंने मिर्ची को भी आधे घंटे धूप में रख लिया था। अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मैं यहाँ 2 चम्मच भर के नमक डाल रही हूँ। 1 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, 2 चम्मच में लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ छोटे चम्मच से, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये लाल मिर्च का ही अचार है तो बहुत ज़्यादा लाल मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इसमें।
इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आमचूर पाउडर, इसमें बहुत ही ज़रूरी होता है, टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है इससे। तो 6 चम्मच कम से कम इसमें डालें, छोटे चम्मच से मैं डाल रही हूँ, बड़े चम्मच से आप डालेंगे तो 3 या 4 चम्मच ही लगेगा। हींग डाल रही हूँ मैं 2 छोटे चम्मच, अचार में हींग का भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद जो कलौंजी है इसे हमें ड्राई रोस्ट नहीं करना था और ना ही ग्राइंड, तो इसके ऊपर से कलौंजी डाल देंगे, इसे मंगरेल भी कहते हैं। इसके बाद जो हमने मसाला ग्राइंड किया था वो पहले मैं 4 या 5 चम्मच डालूंगी। आपको जितना मसाला ज़रूरत हो आप उतना ही डालें, बहुत ज़्यादा मसाला आपको पसंद है या कम मसाला पसंद है उसके अकॉर्डिंग ही आप इसमें डालें। तो पहले थोड़ा सा मसाला डाल के करीब 4 से 5 चम्मच पहले से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद बाकी मसाले डालेंगे। तो इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लें, मैं बिल्कुल आसान तरीके से बता रही हूँ ताकि हर कोई इसे घर पे बना सके। स्टफिंग करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, और अगर आपको खाना है इस तरह से स्टफ वाला अचार तो इस तरह से आप बनाएं, बिल्कुल वैसा ही आपको टेस्ट आएगा। आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव को लाल मिर्च का अचार पसंद हो तो उनके साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी ये रेसिपी एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कर सकें। अच्छे से मिक्स होने के बाद अब ये तेल ठंडा हो चुका है तो अब इसमें तेल ऐड करेंगे ऊपर से। आप जितना तेल डालना चाहते हैं उतना डाल सकते हैं, मैं सिर्फ इतना ही ऐड कर रही हूँ अभी तेल जितने में ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो करीब 4 से 5 चम्मच ऑयल ऐड करें इसमें पहले और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। चौथी टिप ये है कि जब भी आप अचार बनाएं इसमें विनेगर ज़रूर डालें। मैं यहाँ 2 चम्मच विनेगर ऐड कर रही हूँ, इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है और आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। और पांचवी टिप मैं ये बता रही हूँ कि जब भी आप अचार को यूज़ करें हमेशा सूखे स्पून से निकालें, हाथ से नहीं निकालें, और हाथ भी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अगर वेट हैंड से आप स्पून से भी निकाल रहे हैं तो अचार ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो जब भी आप निकालें स्पून को बिल्कुल ड्राई कर लें, आपका हाथ भी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इससे आपके अचार सालों साल तक ख़राब नहीं होंगे। तो ये कुछ टिप्स हैं जिससे आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं अचार बनके बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल स्टफ जैसा दिख भी रहा है, सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। मैंने अभी पूरे मसाले नहीं डाले हैं, अगर आप चाहें तो और भी मसाला ऐड कर सकते हैं और चाहें तो कम मसाले में भी बना सकते हैं। तो अब जो बचे हुए मसाले हैं मैं वो भी इसमें ऐड कर दूंगी, मुझे अचार में थोड़ा सा मसाला ज़्यादा रहे तो अच्छा लगता है। आपको जितना पसंद हो आप उतना ही डालें। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तेल में अभी ज़्यादा नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि मसाला अच्छे से इसमें कोट हो जाए मिर्च में। ये देखिए बिल्कुल रेडी है, बस इस तरह से आप सर्व करें। छठी टिप मैं ये बताऊंगी कि जब भी अचार को रखें हमेशा कांच के जार में रखें और इस तरह से ऊपर से तेल आप ऐड कर लें। तेल आप जितना चाहें ऊपर तक भर के भी डाल सकते हैं, मैंने अभी थोड़ा सा डाला है, जब अचार अच्छे से पक जाएगा उसके बाद मैं और तेल ऐड करूँगी। तो बस इसे 4 से 5 दिन धूप में सुखाएं और सर्व करें। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।